उत्तराखंड में मॉनसून की वर्षा ने फिर जोर पकड़ लिया है। खासकर देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। देहरादून में सड़कों और चौराहों पर जलभराव से आवाजाही में दिक्कतें पेश आई हैं, जबकि रायपुर स्थित स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता का मुकाबला भी रद्द हो गया है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में भी वर्षा के कारण काफी दिक्कतें बनी हुई हैं। कई प्रमुख मार्गों पर भूस्खलन के चलते आवाजाही बार बार बाधित हो रही है, जिससे चार धाम यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बादलों और धूप की आंखमिचौली चलती रही। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारों का दौर शुरू हुआ। देहरादून में शाम को करीब 3:30 बजे झमाझम वर्षा शुरू हुई, जो कि देर रात तक जारी रही। इससे शहर के तमाम चौक चौराहे जलमग्न हो गए। नदी नालों के उफान पर आने से किनारे बसे लोग भी खतरे की जद में आ गए। चंद्रमणि चौला में बरसाती नालों का पानी सड़कों पर आने से आवाजाही ठप हो गई। उधर चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कई स्थानों पर भूस्खलन से मार्ग बाधित हुए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्गुगाड़ व सुनगर के बीच भारी भूस्खलन होने से कई घंटे अवरुद्ध रहा। इस दौरान सुनगर व गंगनानी में फंसे करीब 1,500 तीर्थयात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम का मिजाज गुरुवार भी बदला रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की से मध्यम वर्षा के आसार बन रहे हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि कुमायूं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।